नमस्कार दोस्तों, आप सबका आत्म जागृति के ग्रुप में मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारा पहले ध्यान और फिर उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान। और आज एक और हमारे बीच में ध्यानी आ रहे हैं जो काफी समय से ध्यान कर रहे हैं, योगराज शर्मा जी आ रहे हैं, वो हमें ध्यान में लेके चलेंगे। तो मैं योगराज जी का हृदय से स्वागत करती हूँ, मैं योगराज जी को को-होस्ट बना रही हूँ। योगराज जी अगर आप हैंड रेस कर देंगे तो थोड़ा सा मैं ढूंढने में आसानी रहेगी। यस, यस योगराज जी, हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब आपके साथ ध्यान यात्रा करने के लिए तैयार हैं और बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा यस मैं ध्यान कराऊंगा। तो बिल्कुल, पहले ध्यान हो फिर हमारा साथ होगा। इंदु सूजी हमें लेके जाएंगी गीता पाठ की तरफ। तो इंदु जी, आपका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद प्रज्ञा जी, और योगराज जी का बहुत 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 स्वागत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। पहले भी मेरे ख्याल में 6 महीने साल पहले भी ये बात हुई थी, फिर गाय ही हो गई, चलो। लेकिन अब फिर जब वक्त पहला आता है, कदम वक्त तो आता है, लेना ही जब वक्त पड़ता आता है। है तभी होता है। हाँ जी, जब वक्त आता जी है तभी होता है। लेकिन बिल्कुल, सभी को मेरा आत्मवंदन जी। आत्मवंदन हाँ जी, तो मैं कैसे शुरू करूँ बताइए आप, मैं थोड़ा। हाँ जी, बस पहले आप हमें ना विधि बता दे। हाँ विधि जी, हाँ आपको जी जी पता ही है ना, कैसे आनापाना सती हाँ योग जी विधि, हाँ वो बता हाँ के जी बैठा दीजिए। हाँ बस फिर जी मैं म्यूजिक लगा दूंगी और लास्ट में आप उठा दीजिएगा। 35 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? उसके तो जब 35 मिनट होने वाले होंगे, 2 मिनट पहले आप हमें बताना शुरू कर दीजिएगा कि अब लास्ट के 2 मिनट रह गए हैं, जी है जी ना? जी फिर जब जैसे 4:35 ठीक या 37 हो जाएगा, आप हमें उठा दीजिएगा। तो तीनों विधि जैसे हम करते हैं, इंटरलॉक लगाते हैं, वो सब आराम से बता दें ताकि हाँ कोई जी नए लोग अगर हैं तो वो भी सुन लेंगे। हाँ जी। तो ठीक, सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। और मैं अभी आप लोगों को ध्यान की तरफ ले जाऊंगा। तो जैसा जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से मैं आपसे आपको करवाऊंगा और खुद भी करूंगा। पहले आप जो है अपना चश्मा उतार दें और पानी वगैरह पी लें, से गला वगैरह ना सूखे आगे। और सुखद आसन पे बैठ जाएं। जो लेट के करना चाहे वो नहीं बैठ सकते तो लेट के करें, या कोई बैठ सकते हैं तो चेयर पे बैठ जाएं, या सुखद आसन आलती पालती मार के और पैरों को लॉक कर लें और हाथों को भी ऐसे हाथों ऊपर कर लें। और अब अपनी आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान जो है सांसों के ऊपर लगाएं। जो सांस आ रही है जा रही है उसके ऊपर ध्यान दें, और जो और इससे आगे है तो वो हृदय पे ध्यान रख सकते हैं, या अपने माथे के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां ध्यान रखें। और इसको ये जो है हम 35 मिनट के लिए करेंगे। प्रज्ञा जी आप म्यूजिक लगा दें। जी ठीक है। यस, सब लोग सुखासन में बैठ जाएं फ्रेंड्स। तो आज हम ध्यान में चलेंगे। दोनों हाथे तो ऐसे क्रॉस करके गोदी में रखने ही हैं ताकि एनर्जी हमारी बाहर ना जाए, और आंखें बंद कर लेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान दें। जो सांस आ रही है जा रही है नोस्ट्रल्स पे, और ना जो ना कोई सोच ना कोई विचार और रखें, सिर्फ सांसों पे ही ध्यान दें, उसको आता और जाता हुआ महसूस करें। ध्यान को ध्यान में रखें अपने आप को।
और आश्रम में बहुत लोग बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, बस तो हम भी बैठ के ध्यान ध्यान कर रहे हैं उनके साथ। सभी ध्यानी वहां बैठे हुए हैं, आश्रम में बहुत तेज रोशनी, इधर उधर रोशनी रोशनी, शांत वातावरण। किसी की आवाज नहीं आ रही, सब ध्यान ही में ध्यान कर।
कोई आंखें न खोले दोस्तों, सब सांसों पे ध्यान दें। सांस जा रही है, करें पहाड़ों का तेज हवा, पहाड़ के फूल Thank you.
ध्यान दे। अपने पास बहुत बहुत ध्यान आ गया। बंकरी जैसे पत्री भी गुजार सकते हैं, कोई भी हमें सुनाई देने लगे तो आनंद ले। महसूस कर अच्छे लगता है वो भी वहां आ चुके हैं। चक्षु के लगाए
मोर की आवाज, बांसुरी की आवाज, वो मधुर कर वेटलेस हो गए। इन पौधों का, इन पहाड़ों का धन्यवाद करते हैं जहाँ से मनुष्य का जीवन ऑक्सीजन से चलता है। खुद हवा पहाड़ी जल जो चल रहा है वहां से अब वापिस आ रहे हैं। मास्टर 5 मिनट्स रह गए। चलते चलते हम फिर से पहाड़ों की पगडंडियों से नीचे आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है हम जैसे उड़ते उड़ते नीचे सीढ़ पे चले हैं। फिर से हमें नदी नालों की आवाजें आ रही हैं, चलता हुआ पानी की आवाज। और जानता से जल जल चल रहा प्लास्टिक
6 5 4 3 2 1। अपने हाथों को मास्टर्स आंखों पे रख ले। 5 4 3 2 1। एक मुस्कान के साथ आंखों को खोले। धन्यवाद। थैंक यू युवराज सर, आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया और बहुत ही अच्छा था। मतलब आप बात भी कर रहे थे, बता भी रहे थे कुछ कुछ हमें, लेकिन वॉइस थोड़ी कम थी तो बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब बहुत अच्छा करा, जितने शब्द मैं सुन पा रही थी ध्यान में जाने के दौरान, तो बहुत अच्छा लगा सर। उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा था, आप सुनिएगा बाद में। अपने ऐसे नहीं लग रहा कि फर्स्ट टाइम करा रहे हैं। पता नहीं जो, पता नहीं कैसे मैं जो बोलता गया हूँ जो ध्यान में आता गया। हाँ, बस अपने आप ही हो जाता है जब आप कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू। यस यस, योगराज जी बहुत ही अच्छा ध्यान, अद्भुत। आप लोगों के ऐसे सहयोग लगा नहीं कि पहली बार करा रहे हैं।